अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आप लोगों के साथ जो है ना, वो काफ़ी अरसे के बाद बात हो रही है, क्योंकि मैं काफ़ी बीमार थी। तो शुक्र अल्लाह का कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस ये कुछ वीडियोस के कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैंने शूट किए हुए हैं। बस शूटिंग भी कुछ इसी तरह से हो सकी है। तो मैंने तो बस ये तो बहाना है आप लोगों से बात करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह की ज़िंदगी जो है ना, वो अच्छी जा रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो भी दिन मिल जाए। तो बस ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ़िश फ्राई, सॉरी फ्राई नहीं मैं कर रही, मैं इसको बेक कर रही हूँ। अच्छा ये मैं ना काफ़ी बीमार थी, तो उस वजह से ना मुझे क्या हुआ कि मैं चीज़ें जो है वो भूल जाती हूँ। जैसे मैं अपना सेल फ़ोन जो है वो गाड़ी में भूल गई थी, फिर मैं अपनी जो कीज़ हैं घर की वो कहीं रख के भूल गई थी, तो खैर मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे जो है ना, वो मेरी काफ़ी जो मेंटली जो है ना, इससे मुझे काफ़ी स्ट्रेस किया है। फिज़िकली भी वीक हो गई हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप काफ़ी ठीक हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ़िश। अच्छा ये फ़िश पर मसाला जो है ना, वो मेरी अम्मी ने लगाया था, और ये बहुत ही मज़े की जो है ना, वो फ़िश बेक हुई थी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अम्मी से कहूँगी कि अम्मी, जब भी आप इस पे लगाएं तो फिर आपने मुझे बताना है कि क्या हमने कौन कौन से मसाला जो है वो इस पे यूज़ किए थे। तो बस इसको मैं रख दूँगी अब बेक करने के लिए। और जी, मुझे आप लोगों से कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें करनी थी कि किस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी में हम चेंज ला सकते हैं। सो जब आपके पास टाइम होता है ना, तो फिर आपने ये सोचना है कि आप अपने आप को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो किस तरह से आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ सीख लें। क्योंकि मैंने बहुत जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, उनकी बातें सुनी हुई हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास टाइम है, बजाय इसके कि आप फजूल बातों पर अपने टाइम वेस्ट करें, इंटरनेट पे अपना मोबाइल को स्क्रॉल करने में बस लगे रहें, तो इसके बजाय बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम जो है वो बुक्स को दें, अच्छी चीज़ों पे अपना टाइम जो है वो लगाएं। लाइक कोई स्किल सीख लें, कुछ भी सीख लें। मींस कि आप अगर हाउसवाइफ हैं तो भी आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही बहुत होती हैं, और इवन कि कंपटीशन भी बहुत होता है कि आपने चीज़ों को सीखना है। अच्छा जी, ये तो मेरी कुछ होगी आपसे हल्की पुल्की बातें। तो बस यहाँ पे मैं आपके लिए जो है ना, वो एक रेसिपी तो क्या, बस वैसे ही मूड हो रहा था कि मैं जो है ना वो बनाऊँ पैनकेक्स। तो बच्चों को पैनकेक्स बड़े पसंद हैं, तो ये ऑलरेडी जो मिक्सचर होता है यही ले आए थे बच्चे। तो बस मैंने सोचा कि चले मैं इसको बना दूँ। तो बस मैंने ये पैक खोला है, और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी दी होती हैं कि किस तरह से आपने बनानी है। तो जस्ट मैं पैक को जो है वो खोलूँगी, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इतने कप आपने पानी डालना है, और दैट्स इट, आपका जो है ना ये बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो बस अब इसको मैं खोल के जल्दी से इसमें ये डाल दूँगी, और अपना जो बैटर है उसको कर लूँगी मैं तैयार। तो इसमें मैंने मेरे ख्याल में एक कप के करीब जो है वो पानी डाला है। तो आप जो मेजरिंग कप्स होते हैं उनके ज़रिए आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने एक कप जो है इसमें पानी डालूंगी। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैंने इसमें एक ही दम से डाल दिया था, लेकिन मुझे काफ़ी जो है वो देर लगी थी। तो पहले क्या करना है, आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करना है, उसके बाद जो है ना वो आपने इसमें पानी जो है वो डालना है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है वो डालना है। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ इस तरह की होगी, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा ही बैटर बन गया। तो बस अब मैं ऑयल डालूंगी पैन में, बिल्कुल थोड़ा सा, बस इसको ग्रीस ही करना है। और इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी साइज़ के आपने बनाने होते हैं पैन केक्स में सब वो डाल दें। और बच्चों के लिए जो है ना, वो डिफरेंट शेप्स के भी आप बना सकते हैं अगर आपके पास। तो बस इसी तरह से मैं बाकी भी जो है पैनकेक्स बना लूँगी। तो ये मेरा था सुबह का नाश्ता,
और बच्चों को भी खाने थे पैनकेक्स, तो मैंने ये बड़ी क्विक जो रेसिपी है यही सोचा कि यही बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैं बाकी जो है ना पैनकेक्स भी बना लूँगी और साथ में मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय के बगैर तो दिन का आगाज़ ही नहीं होता ना। तो चाय बनाना जो है वो तो आपको पता है पाकिस्तानियों की जो फेवरेट कह लेंगे काम है, चाय पीना और चाय बनाना और चाय बनाना। तो बस यहाँ पे मेरे पैनकेक्स जो है वो रेडी हो गए हैं, ये मैं साथ लेके आई थी इसी का सिरप। तो उसकी आप मेपल सिरप भी डाल सकते हैं, आप हनी भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल लें। तो मैं ये ऑलरेडी ले आई थी, इस वजह से मैं इसके ऊपर ये डाल रही हूँ। और ये पैनकेक्स बहुत ही मज़ेदार फ्लफी बने थे। अच्छा जी, उसके बाद है जी शाम का टाइम, और मैंने आपको बताया था ना तबीयत मेरी कुछ अपसेट सी थी, शाम नहीं दोपहर का टाइम था। तो मैंने सोचा कि अब मैं घर पे जो है ना वो कुछ इजी सी चीज़ बना लेती हूँ। तो मैंने बना लिए जी चावल, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ राइस जो कि जिसमें मैंने मटर डाले हैं। और मौसम जो था ना वो इस दिन काफ़ी क्लाउडी था, और देखिए ये बादल आए हुए हैं सारे, और थोड़ी देर में बारिश जो है ना वो भी स्टार्ट हो गई थी। तो ये जी वो दिन है जिस दिन पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ गई थी, और हमें जो है ना वो पेट्रोल भी नहीं मिल रहा था। खैर कुछ और आपके साथ बातें शेयर करूं कि जितना भी चीज़ों को इग्नोर करेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, आपके दिल में आपके जहन में उतना ही सुकून आता जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि चीज़ों को हम इग्नोर किस तरह से करें, बट टाइम लगता है ना किसी भी चीज़ में, इंसान है ना, हम चीज़ों को इग्नोर करना आता नहीं है। तो वो लड़कियां या वो औरतें जिनकी अभी शादी हुई है नई नई, तो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है कि एक नई जगह पर एडजस्ट करना और चीज़ों को इग्नोर करना। लेकिन आप यकीन करें कि जब आप चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ कर देते हैं। तो बस ये है कि कुछ टाइम आपको लगेगा, आप फिर जो है वो उस पे काबू पा लेंगी, वो चीज़ें आपके कंट्रोल में आती जाएंगी। तो बस ये अब हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने। तो हमें पता ही नहीं था कि पेट्रोल की जो है वो कीमतें बढ़ गई हैं, और बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। तो ये फाइनली हमें टोटल से मिल गया था जो कि सिर्फ 1,000 का उन्होंने दिया था। खैर फिर बच्चों ने जाना था बहरिया, बच्चे कह रहे थे हमारा वीकेंड है तो हमने ईफल टावर जो है वो जाना है। तो उनको हम ले गए थे ईफल टावर, लेकिन उससे पहले जो है वो हमने पेट्रोल डलवा लिया था, फिर उससे मिल रहा था, तो हमने फिर वहाँ से अपना टैंक जो है वो फुल करवा लिया था। लेकिन बहुत महंगाई हो गई है। खैर ये बच्चों का हम देखे गए ईफल टावर, और ये रात को बहुत ही प्यारा लगता है कि देखिए डिफरेंट कलर जो है लाइट्स वगैरह ये आ रही होती हैं ऊपर। तो नहीं मेरे ख्याल में रात को जा सकते हैं, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं। तो बस बच्चों ने झूले वगैरह लिए, और ये हम फिर वापस आ गए। और ये रास्ते में जो नहर है उसके ऊपर ये सारी आप कह लें कि जो डेकोरेशन वगैरह हुई हुई है। तो खैर बड़ा प्यारा जो है वो बहरिया को इन्होंने बनाया हुआ है, तो आप भी चाहें ज़रूर इन्जॉय करें। तो बस मेरा जो था ना बस यही व्लॉग था, बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम आगे जी घर वापस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो बस ये मैं घर आके बस चावल खा रही हूँ, बस यही मेरा व्लॉग था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।